पिछले 28 महीने से मानदेय भुगतान की मांग को लेकर राज्य भर की जल सहियाएं आंदोलित हैं। इधर शनिवार को जमशेदपुर की जल सहियाएं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के आदित्यपुर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से बकाया मानदेय भुगतान की मांग की। इस दौरान सहियाओं ने थाली बजाकर केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 2400 जल सहियाएं हैं जो 2010 से ही अपनी सेवा दे रही हैं, जबकि पिछले 28 महीने से इन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वैसे इनके द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जल सहिया संघ के अध्यक्ष नीतू सिंह ने बताया है कि अब भी अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो 11 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और अंत में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने की बात उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि सबसे निम्न स्तर का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। जिस तरह पीएम मोदी ने थाली ताली बजाकर कोरोना को भगाने की अपील की, उसी तरह हम सहियाएं पेट की आग बुझाने को लेकर थाली ताली बजा रहे हैं ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। पूर्वी सिंहभूम जिला की जलसेया की अध्यक्ष हूँ और हमारी मांग है कि बकाया मानदेय 28 माह से है, अभी तक जो कि दिया नहीं गया है। हम लोग 2010 से इस काम में जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक एक रुपया नहीं मिला है। और हम लोग निचले स्तर से काम करते आ रहे हैं, साफ सफाई से लेकर जितने भी निचले स्तर से काम किया जाता है, घर घर जल पहुंचाना, घर घर शौचालय बनाना, रास्ता उस्ता में कूड़ा कचड़ा है उसको खुद से चुन के बोरा में चुन के उसको जमा करना और साफ सफाई के लिए ही गांव गांव जागरूक करना, लेकिन 1000 करके जो मानदेय का बात किया वो भी सरकार हम लोग को दे नहीं पा रही है। और मोदी जी ने जो थाली बजा के कोरोना भगाने का ये काम किया था तो आज हम लोग अपना भूख मिटाने के लिए ये हम लोग थाली बजा के हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमें लगभग 2300 से 2400 जलसैया है, खाली पूर्वी सिंहभूम का है ये। और अभी हर जगह हर राज्य में यही चल रहा है सबको मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम लोग का भी तो परिवार है, हम लोग का भी तो बाल बच्चा है, हम लोग पूजा कैसे मनाएंगे। हर साल तो बरगलाया जाता है कि पेमेंट आ जाएगा और हम लोग का ही पेमेंट के लिए बोलता है कि फंड नहीं है। कितना साल बीत गया हम लोग का? 28 माह से हम लोग का मानदेय बाकी है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अभी जब तक नहीं हम लोग को मिलेगा हम लोग ये करते रहेंगे और 11 तारीख को डीसी ऑफिस में हम लोग ये थाली और चम्मच के साथ प्रदर्शन करेंगे। आज एक दिन के लिए है कि नहीं? हम लोग का 8 तारीख से ये चल रहा है, कभी ब्लॉक में चल रहा है, कहीं यहाँ वहाँ करके आज यहाँ चल रहा है, फिर हम लोग 11 तारीख को डीसी ऑफिस, फिर से यहाँ फिर होगा। जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी हम लोग ये करते रहेंगे। अनशन लास्ट में अनशन बैठक करें, एकदम धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा।